अस्सलाम वालेकुम, आई एम नज़ा नियाज़ी। टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस। हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ के अंदर एक और स्पीशीज़ है जो हमारी है, उस के बारे में आज स्टडी करेंगे। ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस क्या काज करता है? ट्रोकोमोनासिस डिजीज़ है जो ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस डिजीज़ काज करता है। 1836 में एक साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट डिस्कवर किया था ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस को वीजिनल सेक्रेशन के से। ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस इज़ अ पियर शेप ऑर्गेनिजम्स विद ए न्यूक्लियस एंड फोर इंटीरियर फ्लैजेला। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम इट्स शेप इज लुक लाइक पियर एंड फोर 1 2 3 4 फ्लैजेला आर अटैच विद external side of the body. It is motile with a jerky rapid movements. जैसे कोई जंप करते हैं, आपने कभी मेंढक को देखो एक जंप करती है, इस तरीके से इसकी जर्की मूवमेंट्स होती है। इट्स डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। ये जो है बाइनरी फिशन के ज़रिए ये जो है आपकी अपनी डिवीजन करता है। इट एग्जिस्ट ओनली एज अ ट्रोफोसाइट, देर इज नो सच फॉर्म। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एंटी अमीबा का, तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रोफोसाइट्स भी होते हैं, सिस्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन इस केस में जो है सिर्फ ट्रोफोसाइट्स होते हैं, सिस्ट फॉर्म नहीं होती। 10 to 30 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग होते हैं। क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ है, मैंने पहले भी बताया हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल फ्लैजेला फ्लैजेटेड जोन के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, फ्लैजेला अटैच होते हैं, जो कि फ्लैजेला का क्या काम होता है कि वो अपने वो खुराक को अनट्रैप्ड करने में और दूसरी चीज़ के साथ अटैच होने में हेल्प आउट करते हैं। इसका जो होस्ट है वो ह्यूमन होस्ट है, ठीक है। ट्रोकोमोनास वीजिनेलिस जो है उसको होस्ट कौन सा है? ह्यूमन। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं होस्ट क्या होता है। ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है? बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, या अगर इसके अलावा जो अदरवाइज थ्रू कॉन्टैक्ट विद द टॉयलेट सीट्स एंड टॉवल्स एंड सो ऑन, ठीक है। कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के किस तरीके की, कि फीमेल्स मोस्टली जो ये इन्फेक्शन होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है, उसके वजाना के अंदर से जो भी सिक्रीशन होती है, वाइटिश लिक्विड सिक्रीट हो रहा होता है, उसके ज़रिए जो होते हैं ट्रांसमिशन होती है। तो जब दोनों पार्टनर आपस में जो है सेक्चुअली एक्टिव होती हैं, तो वो क्या है फीमेल से मेल में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अदर वे जो है टॉयलेट्स के ज़रिए हो जाती है, सीड्स के ज़रिए हो जाती है। तो इसकी जो बाइनरी फिशन्स के ज़रिए रेप्लिकेशन जो है बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है, और लोकेशंस जो है कहाँ कहाँ से होते हैं वजाइनल सेक्रेशन की वजह से, मोस्टली जो है यूरेथ्रा और प्रोस्टेट में भी होते हैं। हम किस कौन सा सैंपल लेते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए? हम वीजिनल स्वैब एंड यूरिन सैंपल्स, यूरिन के जब पास आउट करते हैं तो उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं स्वैब होती है, एक स्टिक होती है, उसके ऊपर कॉटन बर्ड सा लगा होता है, उसको हम स्वैब्स कहते हैं। ऊपर जनरल के इन साइड पर इंसर्ट की जाती है और उससे से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। मेट्रोनिडाज़ोल मोस्टली इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ estimated that 160 million cases of the infection are acquired annually worldwide. The estimated for the North America alone are between 5 to 8 million new infection each year. के worldwide WHO World Health Organization के accordingly 160 million cases दुनिया में होती हैं, इसके उस होते हैं नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका की साइड पे इतने ज़्यादा केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री नॉर्दर्न कंट्रीज के अंदर जो भी हैं वहाँ पे मुस्लिम्स कम होते हैं, और मुस्लिम ना होने की वजह से उनके अंदर लिमिटेशंस का जो कम होती हैं, तो वो मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है सेक्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में है इन द वूमेंस क्या होता है कि वाटर फूल स्मेलिंग, गंदी सी स्मेल्स आती है, उस तरह का पानी की तरह जो होता है वो फ्यूल्स होते हैं, ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो सब्स ग्रीनिश कलर का जो है वजाइनल से सेक्रीशन होती है, और उससे बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है और बर्निंग भी होती है। इन मैन के अंदर एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं मोस्टली, बट अबाउट 10% इन्फेक्टेड मैन हैव यूरेथ्राइटिस जो हो जाता है उनमें। द मेन सिम्टम्स आर डिजूरिया,
और येलविश फोमी किस्म का डिस्चार्ज होते हैं, कि यूरिन के अंदर बर्निंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मोस्टली जो है यूरिन विजियाना से सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से जो है जो डिस्चार्ज आता है वो स्किन के साथ अटैच हो जाता है, होता रहता है, तो उसकी वजह से जो है बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। इनक्यूबेशन पीरियड जो है 4 डेज तो 4 वीक हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मेन हमारा फोकस जो होता है वो लैब डायग्नोसिस के ऊपर है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेजिनल फ्लूड स्क्रैपिंग एंड वॉशिंग, कि हम मोस्टली क्या करते हैं, हम स्वैब लेते हैं और स्वैब से हम जानवर के अंदर इंसर्ट करते हैं और या उसके और वहाँ से जो है इस सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। और कॉटन स्वैब जो होती है उसको हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क के अंदर डालते हैं जहाँ पे 5% ग्लूकोज स्लाइन डालते हैं, ताकि वो मोर्टेलिटी जो है उसकी देख सके माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोपी के आप एग्जामिनेशन देख सकते हैं इसकी पियर शेप की तरह जो है ट्रिकोमोनास वेजेनेलस की शेप। जार्डिया लेम्बिया इट्स अनदर प्रोटोजोआ। जार्डिया लेम्बिया वाज ऑब्जर्व बाय लिवन हुक इन 1681। ही इज लिवन हुक इज ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ही वाज फर्स्ट डिस्कवर द जार्डिया लेम्बिया इन 1916। जार्डिया लेम्बिया कॉज जार्डियसिस। जार्डियसिस इज़ अ डिजीज इन्फेक्शन मे बी ए सिम्टमेटिक एंड कॉज बाई द डोरिया। मोस्टली जार्डिया लेम्बिया के केस में क्या होता है कि डायरिया होता है। इसकी शेप कहती है हार्ट शेप्स और रॉकेट शेप। बैडमिंटन आप खेलते हैं रॉकेट, उसका जो रैकेट देखा होता है रैकेट की तरह जो है उसकी शेप होती है, और जहाँ हार्ट की तरह इसकी शेप होती है। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट इन कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। मोस्टली ये इन्फेक्शन जो होता है कंटामिनेटेड। लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेज ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट। ट्रोफोजाइट पेयर शेप विद 2 न्यूक्लियर 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला। इट अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। पेयर शेप नाशपाती की तरह उसकी शेप होती है, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियर होते हैं, और उसके एक्सटर्नल साइड पे जो है वो जो है 4 फ्लैजेला अटैच होते हैं, और मोस्टली वो हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। सिस्ट द ओवल सिस्ट थिक वॉल विद 4 न्यूक्लियर एंड सेवरल इंटेस्टाइनल फाइबर्स। इन ट्रांसमिशन क्या है इसका, माइक्रोस्कोपिक मेन हमारा फोकस जो होता है वो लैब डायग्नोसिस के ऊपर है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेजिनल फ्लूड स्क्रैपिंग एंड वॉशिंग, कि हम मोस्टली क्या करते हैं, हम स्वैब लेते हैं और स्वैब से हम जानवर के अंदर इंसर्ट करते हैं और या उसके और वहाँ से जो है इस सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। और कॉटन स्वैब जो होती है उसको हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क के अंदर डालते हैं जहाँ पे 5% ग्लूकोज स्लाइन डालते हैं, ताकि वो मोर्टेलिटी जो है उसकी देख सके माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है, वाटर होते हैं, ठीक है, वाटरी डायरिया हो जाता है, इसमें ब्लड नहीं आता। लास्ट में हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं एंटीमीबा का, उसमें था ब्लड। इस दोनों को आप अगर कंपैरिजन करें तो इनमें क्या होता है कि इसमें वाटरी डायरिया होता है लेकिन ब्लड नहीं आता। फ्यूल स्मेलिंग डायरिया होते हैं, एनोरेक्सिया हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैप्स नोज़िया एंड बट नो फीवर, इसमें फीवर नहीं होता। लैब डायग्नोसिस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ स्टूल्स, हम स्टूल सैंपल लेते हैं और स्लाइड्स के ऊपर उसकी स्लाइड पे स्टूल सैंपल रख के उसकी स्लाइड बनाते हैं, कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं सिस्ट को। एलाइजर टेस्ट दैट डिटेक्ट द जॉर्डिया सिस्ट वॉल्स एंटीजेंस इन द स्टूल्स एंड स्ट्रिंग टेस्ट एंड नो सरोलॉजिकल स्ट्रिंग टेस्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच और योर टाइम्स। अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।